नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित एक बहुमंजिला इमारत की 17वीं मंजिल पर भीषण आग लगने के बाद बचाव कार्य में जुटे दमकल कर्मी, दो रेलवे कर्मी और एक एएसआई समेत 9 लोगों की जान चली गई। वहीं कईयों के घायल होने की भी सूचना है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएम ममता बनर्जी ने मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी घटना पर दुख जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। अक्सर बिहार सरकार के अनोखे कारनामे सामने आते रहते हैं और इस बार ये कारनामा स्वास्थ्य विभाग का है। दरअसल सरकार ने कई जिलों के सिविल सर्जन का तबादला किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तबादले की जारी की गई सूची में डॉक्टर राम नारायण राम का तबादला शेखपुरा में सिविल सर्जन के पद पर किया गया। उनकी वर्तमान पदस्थापना रोहतास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रमगंज के चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में दिखाई गई है। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि कोरोना की वजह से इनकी मौत काफी पहले ही हो चुकी है। बिहार में मृत सिविल सर्जन के तबादले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही पर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। सदन में आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार से इस मामले में लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। इनका जो है कल ही पोस्टिंग 8 तारीख को सिविल सर्जन का शेखपुरा जिला में पोस्टिंग किया गया। मृत आदमी को इन्होंने पोस्टिंग किया। ये भी तो माननीय मुख्यमंत्री को सोचना है कि वो कहते हैं कि मैं हर चीज की समीक्षा करता हूँ, आपको पदाधिकारी ठग रहे और मृत्यु जिसकी हो गई उसको आप सिविल सर्जन बनाते हैं, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। बिहार में मृत सिविल सर्जन के तबादले ने सबको चौंका कर रख दिया है। स्वास्थ्य विभाग की इस बड़ी लापरवाही को लेकर सदन में भी विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं अब इस मामले में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चुप्पी तोड़ी है। बिहार विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान मंगल पांडे ने सफाई देते हुए कहा कि सिविल सर्जन के ट्रांसफर की प्रक्रिया लंबी होने के कारण सूची बनने में 1 महीने तक का वक्त लगता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू हो पाई। हालांकि अधिसूचना जारी होने के बाद ये पता चला कि शेखपुरा में जिनका तबादला हुआ उनकी मृत्यु हो गई है, तो इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां दूसरे सिविल सर्जन की नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। विशेषज्ञ चिकित्सकों का होना है, आगे आने वाले समय में हमारे एएनएम और जीएनएम का होना है, तो जो चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों के नियुक्ति का विषय उसकी अधियाचना भेज दी गई है और जो जीएनएम और एएनएम की नियुक्ति होनी है उस संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। एएनएम के लिए रोस्टर क्लीयरेंस का काम किया जा रहा है और इसी तरीके से जो नेशनल हेल्थ मिशन है उस नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी जीएनएम की नियुक्ति की जानी है, वह भी प्रक्रियागत है और अगले 3 महीने के अंदर उसकी प्रक्रिया पूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी ने ट्वीट के जरिए नीतीश को कमजोर बताया है। तेजस्वी का कहना है कि जब इंसान कमजोर रहता है तो उसे गुस्सा जल्दी आता है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की नाराजगी वाला वीडियो भी ट्वीट किया है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला। इसी कड़ी में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीते दिनों बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुस्से का निशाना बने आरजेडी एमएलसी सुबोध राय का बचाव करते हुए सीएम पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम की उम्र हो चुकी है, इसलिए उन्हें गुस्से पर काबू पाना चाहिए। गौरतलब है कि सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी एमएलसी सुबोध राय को टोका टोकी के कारण डांट लगाई थी। परेशान रहते हैं कि जनता ने हमें नकार दिया है, तो बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं भगवान से मनाता हूँ कि हे भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि गुस्सा कम करें और
मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को बचाए रखें। आप अपने घर में अपने छोटे बड़े को तुमताम कीजिए। मंगलवार को बिहार विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान भाकपा माले के विधायकों ने बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था और शराब तस्करी को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। इसी कड़ी में भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल ने राज्य सरकार पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय के स्कूल में भारी मात्रा में शराब मिली है, जिसकी सरकार ने जांच तक नहीं करवाई। भाकपा माले के विधायकों ने सीएम नीतीश के से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है। माफियाओं को बचाना और गरीबों पर सजा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माफियाओं को बचाना और जेडीयू के बाहुबली विधायक गोपाल मंडल अपने बयान के कारण एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल बीते दिनों भागलपुर में गोपाल मंडल को जमीन कब्जा करने के मामले में स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें किसी तरह लोगों से छुटकारा दिलाया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे बंधक बना ले। उन्होंने कहा कि उनके जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है, ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो वो सामने वाले को ठोक भी देते हैं। रहने दो, मकान हमारा ही बन रहा है, तो तंग कर दिया, तब हम गए। वहीं गोपाल मंडल के इस विवादित बयान पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। इस पर सफाई देते हुए जेडीयू विधायक ने कहा कि उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई मुझे मारेगा तो मर थोड़ी जाएंगे, बल्कि मुकाबला करेंगे। हमने ये नहीं कहा है कि हम किसी को जबरदस्ती मारेंगे, हमने बस कहा है कि हमारे पास भी बंदूक है और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये देखिए, मैं गोली मारने की बात नहीं की, हम 25 बीघा जमीन लिए हुए थे। आपने गोली मारने का नहीं कहा, आपने कहा ठोक देंगे, मेरे पास भी रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर मेरे पास रहता है, आपने कहा कि हम ठोक देंगे। अरे बोलने दो, मैं ये नहीं बोला ठोक दूंगा। उस प्रकार की बात आएगी, एक छेड़ने का काम करे तो उसमें चूकेंगे थोड़ो। क्या क्या करेंगे, मरने ही नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? अरे मुकाबला करेंगे और क्या करेंगे, आप मर्डर कर सकते हैं, मैंने आप ठोक देंगे। राजधानी पटना में बेउर जेल के उपाधीक्षक संजय कुमार को निलंबित किया गया है। दरअसल बीते 3 मार्च को जिला प्रशासन की टीम ने बेउर जेल में छापेमारी की। इस छापेमारी में जिलाधिकारी और एसएसपी समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान यह आरोप सामने आया है कि इस छापेमारी की सूचना दिए जाने के बाद भी जेल उपाधीक्षक लगभग 40 मिनट बाद बेउर जेल पहुंचे और तब जाकर जेल का गेट खुला। इस दौरान सभी अधिकारी जेल के बाहर गेट खुलने का इंतजार करते रहे। इस छापेमारी के दौरान जेल के भीतर से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए, जिसके बाद जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने उनके निलंबन से जुड़ा आदेश जारी किया है।